तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ओल्ड टेक ट्रक में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे ये चोबा की तरफ से आने वाला हेयर ड्रायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों हेयर ड्रायर एक ही कंपनी के हैं और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है डेड कंडीशन की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस वाले का पावर केबल लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों मैं इस वाले का भी लगा के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर वायर। तो ये हम लगा देते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन दोनों हेयर ड्रायर में जो प्रॉब्लम है वो है डेड कंडीशन की। तो इनको कैसे रिपेयर करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखिए, तभी आपको जो नॉलेज है वो ठीक से समझ आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम पहले एक कोई भी यहाँ पर हेयर ड्रायर ले लेते हैं। तो चलिए पहले इसको मैं साइड में रख देता हूँ इस वाले को, और बाकी ये वाला जो है इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वाले हेयर ड्रायर को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो बेसिक सी जो चीज़ है वो हमें चेक करना है दोस्तों, इसका ये जो वायर है तो ये हम चेक करेंगे। और इसे चेक करने के लिए दोस्तों आप चाहें तो डिजिटल मीटर का यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो किसी भी सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर सीरीज़ का यूज़ कर रहे हैं ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूं। तो चलिए यहाँ पर मैंने जो सीरीज़ है वो लगा दिया है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और मैं पहले से एक बार ऑन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है मेरा वो यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो पहले मेन जो केबल है पावर केबल पहले वो हम चेक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इसमें मैं आपको दिखा दूँ दो वायर आए हुए हैं, एक ये ब्लू वाला है और एक ये कत्थई वायर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो सिंपली इसको चेक करने के लिए आपको ये वाला जो वायर है इसको और इसको यहाँ पर शॉर्ट करके देख लेना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये ब्लू वाला वायर दोस्तों यहाँ पर ठीक है, और अब ये वाला वायर चेक कर लेते हैं इसका, तो दोस्तों ये भी ठीक है। तो यानी कि हमारे जो मेन लीड से जो प्रॉब्लम थी वो ठीक है, मेन लीड में कोई भी समस्या नहीं है, मेन लीड एकदम ठीक है इसकी, आप देख सकते हैं। और अब दोस्तों इसकी जो प्रॉब्लम है वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले दोस्तों इसका ये जो स्विच है आप देख सकते हैं, मैं इसको ठीक से निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो एक ये स्विच है दोस्तों यहाँ पर, और इसमें एक ये वाला स्विच है, तो और इसका एक मेन स्विच और है ये वाला, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहले बारी बारी से हमें इन तीनों स्विच की पहले टेस्टिंग कर लेनी है कि किस टाइप से ये स्विच यहाँ पर वर्क करता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले इसकी टेस्टिंग, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इसका ये जो आर्मेचर वाला जो सेक्शन है वो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो वायर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें जो ब्लैक वायर है और एक ये जो बैगनी वायर है, ये दोनों यहाँ पर इसका जो हीटर है, हीटर और इसका जो आर्मेचर है उस इन दोनों की वायरिंग है। तो सबसे पहले हम इसका आर्मेचर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है हम इसी से चेक कर लेते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, और ये काम दोस्तों आपको बड़ी सावधानी से करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आर्मेचर है वो हल्का से यहाँ पर घूम रहा है। अब ये दोस्तों अभी 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ पर 200 वाट के बल्ब पर लगा के चेक करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये लोड नहीं ले रहा है 100 वाट के बल्ब पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसका आर्मेचर ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही इसका जो हीटर है वो भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि हीटर वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो दोस्तों हीटर भी ठीक है। और अब पहले हमें इन स्विच को भी चेक कर लेना है पहले बारी बारी से कि ऐसा तो नहीं कि ये स्विच ही प्रॉब्लम कर रहे हों। तो सबसे पहले इनको भी हम सीरीज से ही चेक कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपके पास सीरीज़ ना हो तो आप यहाँ पर डिजिटल मीटर का यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए सीरीज़ का यूज़ कर रहा हूँ।
वैसे तो मैं चाहता तो आपको डिजिटल मीटर से भी समझा सकता था, लेकिन कंटिन्यूटी आपको शायद समझ ना आए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सीरीज से चेक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो स्विच है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ऑफ़ हो जाता है और ये अभी ऑफ़ की कंडीशन में है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं बता रहा है। चलिए अब इसको ऑन कर लेते हैं पहले। तो ये मैंने ऑन कर लिया है, अब चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी ये रीडिंग नहीं बता रहा है। चलिए अब एक बार और ऑन कर लेते हैं इसका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमें कोई भी रीडिंग देखने को इस स्विच पर नहीं मिल रही है। और ऐसे ही मैं आपको जो चालू स्विच है उसकी रीडिंग यहाँ पर चेक करके दिखाऊं कि किस टाइप से ये वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक और स्विच है, तो मैं आपको थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये चालू स्विच है दोस्तों, इसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले इसको ऑफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ऑफ़ है, अब इसको ऑन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ पर हमें सीरीज देखने जलती हुई यहाँ पर दिख रही है। अब इसको एक बार और ऑन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसमें दो पॉइंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, जैसा कि इस पर बना हुआ है सैम्बल। तो चलिए ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो पॉइंट है वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों हमारे जो प्रॉब्लम है इस हेयर ड्रायर में वो इसी स्विच से आ रही है। तो ये स्विच जैसा कि मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है, यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो ऐसे ही अब ये जो रेड वाला स्विच है इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको मैं पहले ऑफ़ कर देता हूँ, इसको ऑफ़ कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो अभी ये वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है वो लगी हुई है। तो पहले इसकी वायरिंग को डिसहोल्ड कर लेते हैं हम, नहीं तो दोस्तों हमें कन्फ्यूज़न होगी चेक करने में, क्योंकि ये जो स्विच होते हैं इसमें जो वायर लगे होते हैं, कभी भी आप इनको चेक करें तो इनके जितने भी कनेक्शंस हैं वो आप एक साइड से कोई भी कनेक्शंस यहाँ पर निकाल दें, इसके बाद ही ये जो स्विच है ये चेक होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसका एक जो वायर है वो डिसहोल्ड कर लेता हूँ। तो ये मैंने डिसहोल्ड कर लिया है वायर, और अब इसके बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि अब इसकी जो रीडिंग है वो ठीक से हमको दिखाएगा ये जो स्विच है। तो अभी फ़िलहाल ये बंद है स्विच, इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों जो सीरीज़ है वो यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट बता रहा है, अब इसको थोड़ा और ऑन कर लेते हैं सेकंड मोड पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि हमारा ये वाला जो स्विच था रेड वाला, ये परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रहा है। और ये वाला जो वायर मैंने निकाला हुआ था ये मैं वापस सोल्डरिंग कर लेता हूँ यहीं पर। और दोस्तों यदि आपको जानना है कि ये वाला स्विच कैसे रिपेयर करते हैं, तो पिछली वीडियो भी मैंने इसी हेयर ड्रायर के ऊपर बनाई थी, तो उसमें दोस्तों मैंने इस स्विच को ही रिपेयर कर दिया था। लेकिन वो दोस्तों जो स्विच हम रिपेयर करते हैं वो ज़्यादा दिन वर्क नहीं करता, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर दोस्तों स्विच को चेंज ही कर दें। यदि आपके एरिया में इस टाइप के स्विच वगैरह इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिल जाते हैं तो आप इनको चेंज ही कर दें। और ऐसे ही दोस्तों अब इसका एक और स्विच है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पुश वाला जो स्विच है, तो ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी से। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं सीरीज से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर करंट भी लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है, जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो यहाँ पर जो बीप है वो बंद हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये इस टाइप का ही स्विच होता है पुश वाला, ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला स्विच भी ठीक से वर्क कर रहा है। एक बार इसका जो डायोड है उस डायोड को भी हमें चेक कर लेना है, क्योंकि हम इस वाले स्विच पर इसी डायोड का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें जो डायोड लगाए हम वही डायोड लगाएंगे, अलग से हम कोई डायोड नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो अभी दोस्तों ये भी रीडिंग गलत बताएगा, इसलिए मुझे इसको भी पहले यहाँ से डिसहोल्ड करना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसकी जो कॉइल होती है हीटर वाली उससे ये कनेक्टेड होता है, इसलिए
ये रीडिंग गलत बताएगा, इसलिए मैं इसको पहले यहाँ से डिसोल्ड कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, लेता हूँ तो दोस्तों ये जो डायोड है ये भी ख़राब हो चुका है, तो इसे भी मुझे यहाँ से चेंज करना होगा इस डायोड को। जी ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों बीप बज रही है, ये आप देख सकते हैं दोनों साइड। तो ये डायोड भी ख़राब है दोस्तों इस स्विच के साथ, हमें डायोड भी पहले चेंज करना होगा, इसके बाद ये जो स्विच है वो हम यहाँ से रिप्लेस करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 5408 का डायोड मिल गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों 5408, और इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप रीडिंग देख सकते हैं, और इसका जो इस पलट के इसको चेक कर लेते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी जो बीप साउंड है वो नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला जो डायोड है ये एकदम सही है। तो चलिए अब हमें करना क्या है कि ये वाला जो स्विच है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। तो ये वाला स्विच हम लगाएंगे इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और ये वाला जो डायोड है ये हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये वाला लोड नहीं ले पाएगा। तो ये दोस्तों हमने निकाल दिया है, और ये डायोड दोस्तों आपको इसी जैसा लगाना है जैसा कि इस वाले स्विच में लगा हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि इसका जो प्लस माइनस है वो सेम आपको ऐसा ही रखना है। तो ये आप देख सकते हैं इसका प्लस माइनस ऐसा ही लगा देना है आपको। तो ये डायोड दोस्तों ऐसा लगा हुआ है उसमें स्विच में, तो ये भी हम लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर शोल्डरिंग कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसकी जो वायर हैं वो भी आपको सेम ऐसे ही लगा देना है जैसे कि यहाँ पर हमने निकाले हुए हैं। तो ये हमने लगा दिया है दोस्तों, और इसके बाद इसका ये वाला जो वायर है ये भी आपको यहाँ से डीशोल्ड कर लेना है। तो ये स्विच आपको हटा देना है, और ये वाला वायर आपको इसके ऊपर साइड में यहाँ पर शोल्डरिंग कर देना है कुछ इस टाइप से। तो इसकी वायरिंग दोस्तों हमने कर दी है, अब इसको एक बार इसी कंडीशन में हमें चला के देख लेना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको फिटिंग कर लेता हूँ ताकि हमें करंट ना लगे, और पहले इसका ये वाला जो स्विच है ये भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, पुश वाला जो स्विच है ये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ये जो स्विच हैं वो मैंने जमा दिए हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छे से, और पहले इसका जो कैप है वो हम लगा देते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फिटिंग कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फिटिंग दोस्तों कर दी है मैंने थोड़ी सी, और अब इसके बाद इसका जो वायर है वो मैं लगा देता हूँ। स्विच यहाँ पर ठीक है, तो चलिए इसके जो वायर हैं वो लगा देता हूँ पहले मैं, और अब देख लेते हैं कि ये जो हेयर ड्रायर है वो वर्क करता है या नहीं। तो इसको पहले ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने लगा दी है वायर, सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। और अब इसके बाद इसका हीटर भी चेक कर लेते हैं, तो हीटर भी दोस्तों यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका ये वाला स्विच भी अब वर्क कर रहा है, और साथ में हीटर भी वर्क कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, तो
दोस्तों कुछ इस टाइप से हमने इस वाले हेयर ड्रायर को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रिपेयर कर दिया है। इसमें जो प्रॉब्लम थी इस वाले हेयर ड्रायर में वो थी दोस्तों इस डायोड की और इस स्विच की। दोस्तों ये जो डायोड है ये शॉर्ट होने के वजह से ही ये जो स्विच है ये ख़राब हुआ है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं साइड में और इसकी जो फिटिंग है वो मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों ये वाली हेयर ड्रायर को हम साइड में रख देते हैं क्योंकि दोस्तों ये रिपेयर हो गई है। और अब इसके बाद मैं दूसरी वाली हेयर ड्रायर उठा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये मैंने दूसरी हेयर ड्रायर उठा ली है। तो अब इसको भी दोस्तों हमें करना क्या है कि पहले इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर इसको ओपन कर ही लेता हूँ मैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। A few moments later. तो दोस्तों यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, जो मेरे फ़ोन का स्टोरेज था वो फुल हो गया था, जिस कारण इस वाले हेयर ड्रायर का जो वीडियो था वो मैं यहाँ पर नहीं शूट कर पाया। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली भी रिपेयर हो गई है, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। तो ये है इसका स्विच जो कि दोस्तों ख़राब हो गया था, इस वाले हेयर ड्रायर का स्विच भी, और इसमें भी दोस्तों उसी वाले हेयर ड्रायर की तरह ही प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो इसका ये वाला लेग प्रॉब्लम कर रहा था। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें जला हुआ भी ये दिख रहा है, तो ये वाला लेग दिक्कत कर रहा था, तो जिस कारण से इसका ये जो ऑन ऑफ स्विच है ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। तो इस वाली हेयर ड्रायर को भी मैंने यहाँ पर रिपेयर कर लिया है। तो चलिए पहले इसकी ही टेस्टिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसकी हमने वीडियो आगे की शूट नहीं की है। तो चलिए अब इसका स्विच ऑन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है, और इसका ये वाला स्विच भी दोस्तों यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इस टाइप से हमने ये वाला हेयर ड्रायर रिपेयर कर लिया है। अब चलिए जो दूसरा वाला हेयर ड्रायर था जिसमें कि डायोड ख़राब था और स्विच ख़राब था, तो इस वाले को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं और जो स्विच है वो ऑन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो इसके भी जो सारे स्विचेस थे वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से हमने जो हेयर ड्रायर थे वो इजीली रिपेयर कर लिए हैं। इस वाले हेयर ड्रायर का जो वीडियो था दोस्तों वो मैं नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा फ़ोन का स्टोरेज था वो फुल हो गया था, जिस कारण से मुझे जो वीडियो का पार्ट है वो पूरा ही स्किप करना पड़ा। उसके लिए दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपसे यही बोलना चाहूँगा, यदि आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।